नमस्कार दोस्तों, आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी ट्यूटोरियल वीडियो नंबर 36 में हम कुंडली पढ़ने के बारे में सीखेंगे। कुंडली कैसे पढ़नी है, हाउ टू लर्न योर ओन चार्ट। आइए देखते हैं। आप जब भी किसी भी एप्लीकेशन में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी बर्थ डिटेल्स डालेंगे, करेक्ट टाइम, प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस एंड एग्जैक्ट डेट, आप अगर ये तीन डिटेल्स डालते हैं तो आपके सामने आपकी कुंडली बन के आ जाएगी। लेकिन कुंडली को पढ़ना कैसे है, कुंडली को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ सकते हैं, आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी प्रिडिक्टिव चीजें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमें मिल जाती हैं, लेकिन उस पर हम पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते और रहना भी नहीं चाहिए। हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हॉरोस्कोप को कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है। मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगी। इसके पहले वाले लेक्चर्स में अगर यहां पर किसी को कुछ ना समझ में आए तो इसके पहले जो 35 ट्यूटोरियल वीडियोस हैं इसी चैनल पर, आप उनको लाइन से देखें। उसमें हमने नक्षत्रों के बेसिक्स की, राशियों के बेसिक्स की, ईच हाउस के बेसिक्स की और ग्रहों के बेसिक्स की बात ऑलरेडी की है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जो कुंडली आएगी उसमें वो कुंडली इस तरह से होगी, वो नक्शा इस तरह से होगा। ये कुंडली जो है ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, इसे कहेंगे नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट। एक और है साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट है, वो अलग होती है। अभी मैं सिर्फ नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट में ही आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, आपको समझाऊंगी। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट है, आपको वो इस तरह से दिखेगी जिसमें आपको 12 भाव दिखेंगे। ये जो एम्प्टी प्लेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 एम्प्टी प्लेस को हम भाव कहते हैं। कुंडली के भाव या तो हाउसेस कहते हैं, हाउसेस ऑफ हॉरोस्कोप, या फिर कुंडली के भाव कहते हैं, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन जब आप कुंडली देखेंगे, जब किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर से कुंडली बन के आती है, तब आप देखेंगे कि यहां पे जो नंबर लिखे होते हैं वो राशि नंबर होते हैं। ये भाव जो हैं, भाव हमेशा स्थिर होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, भाव मूवेबल नहीं होते हैं। इसमें राशियां मूवेबल होती हैं। हर किसी की कुंडली का जो मैप है वो एक ही होगा, मैप के अंदर जो चीजें हैं वो अलग अलग होंगी। यहां पर अब मैं ये नंबर जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे थे उनको मैं मिटाऊंगी और इसके अंदर अब हम हाउसेस के जो सीरियल नंबर मैंने लिखे वो मिटा के मैं राशि के नंबर लिखूंगी। अगर मैं किसी की भी बर्थ डिटेल डालती हूं किसी भी एप्लीकेशन में या सॉफ्टवेयर में, मैं किसी की भी कुंडली बनाती हूं, तो मुझे उसकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि दिखाई देगी उस राशि को मैं सबसे पहले यहां पे फर्स्ट हाउस में पुट कर लूंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे किसी की भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में राशि नंबर 4 मिल रही है तो हम एंटी क्लॉकवाइज कुंडली को जो पढ़ना है हमें एंटी क्लॉकवाइज पढ़ना है। एंटी क्लॉकवाइज हम पढ़ेंगे ऐसे, यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से। आप इस बात का ध्यान रखें जो भी एस्ट्रोलॉजी बिगनर्स हैं, 4 नंबर अगर लग्न में ही, ये जो फर्स्ट हाउस होता है इसे एसेंडेंट हाउस कहते हैं, ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। एसेंडेंट हाउस यानी कि लग्न भाव जहां से आपका जन्म है वहां पे आपको ACS लिखा हुआ दिखेगा, या फिर शॉर्ट फॉर्म एसेंडेंट का दिखेगा, या फिर LAG या फिर लग्न ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। और अगर नहीं भी किसी किसी सॉफ्टवेयर में दिखता है
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये ध्यान रखना है कि पहला भाव लग्न भाव होता है, पहले भाव को असेंडेंट हाउस कहते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको ये चीज को ध्यान में रखना है। आगे ये पहला भाव ये हो गया, इसके बाद जो दूसरा भाव है वो ये है, लेकिन आपको कुंडली में भाव के क्रम नहीं दिखेंगे, वो अंडरस्टूड है कि ये नक्शा नहीं हिलने वाला, पहला भाव यही होता है, ये स्टेबल रहेगा, ये मूव नहीं होगा, दूसरा भाव ये है, तीसरा भाव ये है, चौथा भाव ये है, पांचवा ये है, इसीलिए मैंने पहले नंबर्स लिखे थे और वो नंबर्स मैंने अभी मिटा दिए। ठीक है, अभी आपको देखना है यहाँ पे दूसरा भाव, ये है दूसरा भाव, लेकिन हमें तो क्रम से चलना है, इसीलिए यहाँ पे जब चार नंबर यानी कि कर्क राशि आएगी तो उसके बाद जो राशि क्रम है वो सिंह है, तो यहां पर लियो राशि ही आएगी, लियो, फिर आएगी जेमिनी, सॉरी वर्गो, उसके बाद आएगी तुला, लिब्रा, उसके बाद आएगी वृश्चिक, दैट इज स्कॉर्पियो, फिर आएगी धनु, दैट इज सेजिटेरियस, उसके बाद राशि आएगी कैप्रिकॉन, फिर एक्वेरियस, उसके बाद मीन, फिर मेष राशि से शुरू हो जाएगा, वापस से हम मेष राशि में आएंगे, फिर टॉरस यानी कि वृषभ, उसके बाद जेमिनी यानी कि मिथुन। तो ये जो अभी नंबर्स लिखे हैं, ये नंबर जो है ये राशि नंबर है, मतलब आपके लग्न भाव में इस पर्टिकुलर जातक जिसकी मैं कुंडली का एग्जांपल ले रही हूं, इसके लग्न भाव में राशि नंबर चार है, यानी कि कर्क लग्न की ये कुंडली है, ये कुंडली कर्क लग्न की कुंडली है, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। कर्क लग्न की कुंडली में अगर हमको इसको यही कुंडली अगर कुंभ लग्न की निकलती तो यहां पर नंबर 11 आपको दिखाई देता, नंबर 11 यानी कि ये कुंभ लग्न की कुंडली है, एक्वेरियस असेंडेंट की कुंडली है। इसके बाद आपको यहां से क्रम से फिर 12 नंबर, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से आपको क्रम दिखाई देता राशियों का। आप चाहें तो अभी भी कोई भी एक हॉरोस्कोप ओपन करके बैठ सकते हैं और अच्छी तरह से रीड करते जा सकते हैं मेरे साथ साथ। अभी ये भाव हो गए, राशियां हो गई, राशियां मूवेबल होती हैं, किसी के भी कुंडली में कोई भी राशि कहीं पर भी आपको देखने को मिल सकती है इन 12 भाव के अंतर्गत। अभी 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, 12 भाव के अंतर्गत 12 राशियां विराजमान हैं। अब आइए देखते हैं ग्रहों के बारे में। मैं ये नंबर्स जितने भी हैं रब कर दूंगी, इसको हम कर्क लग्न की कुंडली रहने देंगे। ये कर्क लग्न की कुंडली हम इसको रहने देंगे, ये कर्क लग्न, ये लग्न। अभी यहां पर अगर मैं केतु देवता को विराजमान कराती हूं तो यहाँ पे राहु देवता आ जाएंगे, क्योंकि ये चीज को समझने की, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ पर केतु देवता हैं तो केतु देवता के सीधा 180 डिग्री में राहु देवता आते हैं हमेशा, आप देखेंगे तो जहां केतु देवता होंगे, अगर यहाँ केतु देवता है तो यहां से अगर आप 7th गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, यहां पे आपको राहु देवता दिखेंगे, डायरेक्ट सीधा आपको 180 डिग्री में दिखेंगे। ये एक एक हाउस का मान जो होता है 30 डिग्री होता है, और ये पूरी कुंडली जो है, ये जो नक्शा है 360 डिग्री का है, एक ग्रह को गोचर करना है तो ये 360 डिग्री पार करने के बाद एक गोचर पूरा होता है, और हर ग्रह अपनी स्पीड के साथ ही गोचर करता है। गोचर एक अलग विषय है, इसमें अलग से बात करेंगे, फिलहाल इधर पे वापस आ जाते हैं। तो 30 डिग्री का एक हाउस है, यहां पर राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पे दिखेंगे। तो 30 डिग्री का अगर एक हाउस है तो आपको राहु केतु हमेशा 180 डिग्री की दूरी पर ही मिलेंगे। अभी दूसरे प्लैनेट्स अगर हम बिठाते हैं, अगर मैं यहाँ पे मंगल देवता को बिठाती हूँ, मंगल देवता को यहाँ पे, मैं सूर्य देवता को अगर सूर्य देवता अगर यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे अगर मैं गुरु देवता लिखती हूँ, यहाँ पे शनि देवता लिखते हैं,
ठीक है, और बुध और शुक्र को युति में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, कौन से भाव में कौन सा ग्रह गया। ये जो भाव कहे जाते हैं 6, 8, 12, ये भाव त्रिक स्थान कहे जाते हैं, ये भाव अशुभ भाव कहे जाते हैं, ये भाव बहुत ही दिक्कत परेशानी वाले भाव कहे जाते हैं। तो इन भाव में कोई भी शुभ ग्रह अगर बैठते हैं, हमें मालूम है कि शुभ ग्रह गुरु हैं, वीनस हैं, मून हैं और बुध हैं, हमें ये मालूम है। तो इन भाव में अगर शुभ ग्रह बैठते हैं तो वो अपनी शुभता खो देंगे, उनकी शुभता की हानि हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे फलित सूत्र और भी हैं जिसमें ये रूल कैंसल भी होते हैं, लेकिन वो रेयर हैं। लेकिन आपको मेन रूल समझना होगा पहले कि ये जो त्रिक भाव हैं 6, 8, 12, इन भाव में शुभ ग्रह अगर बैठते हैं वो अपनी शुभता में कमी कर देंगे। अगर इन्हीं भाव में अशुभ ग्रह बैठते हैं जो कि क्रूर ग्रह है, जो कि शुभ नहीं है, राहु नेगेटिव प्लैनेट, राहु केतु शनि देवता, और अलग से मैं लिखूंगी सूर्य और मंगल देवता। ठीक है, ये इसीलिए क्योंकि सूर्य और मंगल देवता क्रूर प्लैनेट्स हैं, लेकिन राहु केतु और शनि देवता ये अशुभ ग्रहों में, यानी कि ये ज्यादा नेगेटिविटी इनमें है। इनमें अगर राहु केतु शनि देवता 6, 8, 12 में हैं तो ये आपको फल अच्छा देंगे। ये अशुभ ग्रह अशुभ भाव में अपना अच्छा फल कर पाते हैं और शुभ ग्रह शुभ भाव में अच्छा फल कर पाते हैं। शुभ भाव कौन से हैं? ये है केंद्र भाव, ये केंद्र है 1, 4, 7, मैं यहां लिखूंगी, आप ध्यान दीजिए, केंद्र भाव 1, 4, 7, 10, ये त्रिकोण है, ये वाले त्रिकोण है, त्रिकोण भाव 1, 5, 9। सबसे शुभ भाव कहा गया है नवम भाव, उससे कम पंचम, उससे कम पहला। क्योंकि अगर कंपैरिजन करें तो तीनों में अगर कंपैरिजन करें तो, नहीं तो इस कुंडली में किसी भी कुंडली में सबसे शुभ भाव कहे गए हैं 1, 5 और 9। उसके बाद केंद्र भाव, त्रिकोण भाव सबसे शुभ, फिर केंद्र भाव सबसे शुभ, उसके बाद उपचय स्थान आते हैं, उसके बाद मारक स्थान आते हैं, हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 7, ये दोनों स्थान जो हैं ये मारक स्थान कहलाते हैं। मारक स्थान पे मैं अलग से एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगी, फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए, मारक स्थान 2 नंबर और 7 नंबर मारक स्थान कहलाते हैं। दोस्तों कोई भी डाउट हो या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, वीडियो फिर से देखिएगा, यहाँ पे नंबर शेयर किया हुआ है, आप नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके कभी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज कर सकते हैं बेझिझक। आप साथ साथ अगर नोट्स भी बनाते हैं तो और अच्छा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और इजीली आपके आपको इजीली आपको समझ में भी आएगा अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे तो। आगे बढ़ते हैं, ये हो गए मारक स्थान, अभी उपचय स्थान। उपचय स्थान कहते हैं 6, 10, 11 उपचय स्थान कहे जाते हैं, 3, 6, 11 इन्हें उपचय, माफ करिएगा 10 नहीं 3, 6, 11 इन्हें उपचय स्थान कहा जाता है। उपचय स्थान 3, 6, 11 ग्यारहवां भाव वैसे लाभ का भाव है लेकिन उपचय स्थान कहलाया जाता है। यहाँ पे सिक्स्थ हाउस जो है, सिक्स्थ हाउस त्रिक भाव भी कहलाया जाता है और सिक्स्थ हाउस उपचय भी कहलाया जाता है, उपचय में भी आता है। केंद्र पहला भाव जो है जिसे लग्न भाव कहा जाएगा, जो कुंडली जिस जातक का जन्म जहां से होता है, कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस जो है पहला नंबर भाव है, तो पहला नंबर भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है, केंद्र और त्रिकोण
दोनों कहलाता है। दोस्तों वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, आप इन चीजों की प्रैक्टिस करें, इन चीजों को समझें कि कुंडली कैसे बनती है, कुंडली को रीड कैसे करते हैं, ग्रह कैसे विराजमान होते हैं, राशियां कैसे विराजमान होती हैं। इसके बाद हम ग्रहों की और राशि की, कौन सा ग्रह कहां पर है और किस तरह से फल देखना है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फल कैसे करना है उसकी बात करेंगे, प्रिडिक्शन की बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।